कि ऐसा है जो इंसान तुमसे उम्र में बड़ा हो या रुतबे में बड़ा हो, अगर वो इंसान दुआएं दे रहा है तो दुआ भी ले लो, और ज़ुबान से गाली जैसा अल्फाज दे रहा है तो उसका जवाब ना दो। ये जितने भी इनाम लगे हैं सब इनका इनामों का श्रेय भी और सारी उड़ानों का, जो मई में जितनी भी उड़ानें उड़ी हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्टों से गई हैं। अच्छा। और माशाल्लाह ये जितनी भी उड़ानें उड़ी हैं और अभी भी और कुछ इनाम मिलने बाकी रह गए हैं, इन सब इनामों का श्रेय जो है सब हकीम जैदी साहब को जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम सेंचुरी। तो जैसा कि आप सबको मालूम है 22 मई 2022 में यहाँ मुरादाबाद में एक लोकल टूर्नामेंट हुआ था, तो उसमें जो है फर्स्ट पोजीशन जो हमारे अलीम भाई की आई थी। अलीम भाई के जो टूर्नामेंट से पहले हमने तैयारियाँ वगैरह भी दिखाई थी और कबूतर भी थोड़े बहुत दिखाए, और 10 जून को जो है इसका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था जिसमें हमारे अलीम भाई को जो प्राइज़ मिला है और सारी चीज़ें। बाकी उस डेट में उनके जो उस्ताद हैं जनाब इकबाल साहब वो नहीं आ पाए थे, तो आज वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम अलीम भाई से ही बात करेंगे, उनके उस्ताद से भी, उनके खलीफा भी, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, पूरी टीम यहाँ मौजूद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से अलीम भाई? सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को, आपके उस्ताद को जो आप फर्स्ट पोजीशन आई है उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। तो थोड़ा सा बता दीजिए मुख्तसर, कब से शौक़ चल रहा है आपका? मेरा शौक़ तो लगभग बचपन से ही करता हूँ मैं शौक़ जी, लेकिन मैं कम से कम 6 साल से उस्ताद इकबाल साहब से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। जब से मैंने लगातार शौक कर रहा हूँ और अच्छा। माशाल्लाह बहुत अच्छे शौक कर रहा हूँ। अच्छा, जी, अच्छा, तो टूर्नामेंट वगैरह और सब... उस्ताद से जब मैं जुड़ने से पहले मैंने 51 कबूतरों की बाजी उड़ाई थी आमने सामने की। अच्छा। तो उसमें मेरे साथ में जो साहब कबूतर उड़ा रहे थे तो मेरे कबूतर अच्छे नहीं उड़े थे। अच्छा अच्छा। उन्होंने कहा था कि आपके कबूतर बड़े बड़े साइज के हैं, छोटे कबूतर वालों। अच्छा। तो कबूतर उनकी समझ के नहीं थे, उन्होंने फेल करे। अच्छा। लेकिन वही कबूतर फिर मैंने मई में जो एक टूर्नामेंट उड़ा था 15 कबूतरों का, अच्छा, तो वो उड़ाया। अच्छा। उसमें माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर उड़े थे जी, तो मेरा सेकंड पोजीशन रही थी उसमें। अच्छा अच्छा। हाँ, और उसके उसमें मुझे LCD इनाम में मिली थी। अच्छा। हाँ, उसके बाद में मैंने 2 शौक और करे थे, 61 कबूतरों के, वो भी माशाल्लाह दोनों ही जीते थे जी, जी। उसके बाद में मैं लगातार शौक कर ही रहा हूँ अब तक। अच्छा। और अब ये मई का शौक करा टूर्नामेंट का जी, इसमें भी माशाल्लाह हमारे उस्ताद ने बहुत मेहनत करी मेरे साथ, हमारे खलीफा जी गयात भाई और गालिब भाई, बहुत इनका सहयोग रहा जी, जी बहुत मेहनत करी, तो मेरा अब फर्स्ट नंबर रहा इसमें। अच्छा 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 जी। तो आपने जो इस बार कबूतर उड़ाए थे वो आप लोगों की निगरानी में उड़ाए थे? जी, उस्ताद इकबाल साहब की निगरानी में और गयात भाई की निगरानी। अच्छा। और LCD भी इनकी निगरानी में मिली थी। अच्छा, 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 अच्छा। 6 साल से लगातार उस्ताद से ही जुड़ा हुआ हूँ जी, जी। अच्छा। तो फिर इनसे जुड़ गए थे जब से? अच्छा, 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 अच्छा। हमारी टीम से जुड़ के जी, जी, जी। तो मई में शौक करा था इन्होंने, हाँ। उसमें LCD इनाम में मिली थी। अच्छा। सेकंड इनाम मिला था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जनाब इकबाल साहब भी यहाँ उनके उस्ताद मौजूद हैं जी, उस्ताद क्या कहना चाहेंगे, इनकी जीत हुई है, अस्सलाम वालेकुम, तो इसके बारे में बताइए। माशाल्लाह बहुत बढ़िया, मुझे बहुत खुशी है जी, और हमारी टीम में जितने भी लोग हैं, जितने भी टीम में मतलब लोग हैं हमारे, माशाल्लाह सबके अच्छे कबूतर उड़ते हैं जी, जी। और अच्छी पोजीशन में ही मतलब अच्छी पोजीशन प्राप्त करते हैं ये, और दूसरी बात ये है माशाल्लाह अब ये 5 साल पहले ये जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें सेकंड नंबर लगा था इनका जी, जी, जी। बहुत अच्छे कबूतर उड़े थे जी। 15 कबूतर का टूर्नामेंट था, उसमें एक कबूतर कैंसिल था इनका। अच्छा जी, 1 मिनट से कैंसिल हो गया था, बाकी 14 कबूतर क्वालिफाई हुए। अच्छा, तो 14 कबूतरों के कितने घंटे जी? माशाल्लाह उसमें तो बहुत अच्छे घंटे बने, लमसम ऐसी कोई 77 के आसपास घंटे थे। अच्छा। और माशाल्लाह उस साल ना मैंने ही ऐसा था, मेरा ज़्यादातर ना यहाँ मुरादाबाद में कबूतरबाजी में भी बैठना उठना है, फिर बाहर लोगों में बहुत प्रदेशों में आने जाना है, तो वहाँ नाम आता था हमारे शहर मुरादाबाद का, वो ये कहते थे कि बोले यार आपके यहाँ ना गर्मी का शौक नहीं होता। अच्छा। तो मेरे एक दोस्त हैं बबलू जी, बबलू, हाँ बबलू मेडिकल के नाम से मशहूर हैं वो जी, एक दोस्त और हैं वो जाकिर उस्ताद हैं, हाँ जाकिर उस्ताद जी, माशाल्लाह अच्छी दोस्ती है उनसे और कबूतरबाजी में भी बहुत अच्छी गुटबीट है मेरी उनसे, उन लोगों से मैंने मशवरा करके उन्होंने बहुत सपोर्ट करी मुझे जो बात है,
उन्हीं के जरिए फिर मैंने उनसे जब बातचीत करी तो उन्होंने मेरी जब सपोर्ट करी तो उन्होंने कुछ टीमें अपनी दी, कुछ बबलू उस्ताद ने दी, कुछ जाकिर उस्ताद ने दी। लमसम शहर में 16 टीमें इकट्ठी हो गई थी हमारी। अच्छा। उससे पहले भी उड़वाया था बबलू उस्ताद ने मेरे मुझसे मिलकर, उसमें 3 टीम आई थी। फिर अल्लाह के हुक्म से अगले साल में जो 16 टीम आई तो ये मुझसे 5 महीने पहले जुड़े थे। अच्छा। अलीम भाई जो है, अब जब इन्होंने मुझे कबूतर चेक कराया, इन्होंने बताया आन के कि बोले ऐसे ऐसे बात है कि मेरे कबूतर फेल कर गया है, मैं बेचने के मूड में हूँ इन कबूतरों को। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा भाई बेचो मत, कबूतर बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह तुम्हारे। अच्छा। और ऐसा नहीं है कि मैं इनसे कह के गया था, कबूतर ही वाकई बहुत बढ़िया थे। वो कुछ मसला ऐसा हुआ कि 5 महीने के बाद में टूर्नामेंट का नंबर आ गया, तो मैंने इनको फ़ोन करके गया, मैंने कहा भाई अगर तुम कबूतर उड़ाना चाहो तो हमारी टीम में आन के कबूतर उड़ा सकते हो, ऐसे ऐसे टूर्नामेंट हो गया है। मैंने कहा एक शर्त है हमारी। बोले ये, बोले क्या? मैंने कहा हमारी टीम में आना पड़ेगा। बोले यार हमने तो तुमसे कहा था। तो वो जब टूर्नामेंट हुआ तो उसमें माशाल्लाह इनका सेकंड नंबर लगा, 77 घंटे के आसपास बने थे। उसमें 4 टीमें थी मेरी, तो 4 टीमों में अल्लाह के हुक्म से माशाल्लाह मुझे खुशी इतनी हुई थी कि चारों शागिर्द मेरे, समझ लो फर्स्ट नंबर भी मेरे शागिर्द का, सेकंड नंबर भी ये मेरे शागिर्दी थे, और थर्ड नंबर भी और फोर्थ नंबर भी, समझ लो चारों इनाम मेरे अपने। पांचवा इनाम जो था वो हमारे बबलू उस्ताद जो हैं दोस्त हमारे, उनके शागिर्द का लगा था। बहुत अच्छी उड़ान हुई थी। ये लमसम अब से 5 साल पहले, 2017 लमसम या 2016 में हुआ है या 2017 में हुआ है। बहुत अच्छे कबूतर उड़े थे। फिर उसके बाद में ना ये रमजान शरीफ शुरू हो गए, मई में आने लगे, तो वो इस चक्कर में मैंने हाथ मतलब हटा लिया था उसमें। अच्छा, लेकिन बबलू उस्ताद ने लगातार कबूतर उड़वाए उसमें, 4-5 साल लगातार कबूतर उड़वाए उसमें, मैंने हिस्सा नहीं लिया था। अच्छा, इस साल हिस्सा लिया, फिर माशाल्लाह पहला नंबर लगा हमारे जैकेट का। बहुत अच्छे कबूतर उड़े। जो ये प्रोग्राम वगैरह हुआ, प्राइज वगैरह जी, जी तो कैसा रहा हुआ? जी बहुत अच्छा लगा। मैंने खैर मैं कहीं गया हुआ था, बाहर था। मेरे जो खलीफा लोग हैं, ये बड़े खलीफा हैं गयास खलीफा, और छोटे खलीफा ये हैं गालिब भाई, माशाल्लाह ये गए, इनके साथ में पूरी टीम गई भी थी। अच्छा, 10 लोग बुलाए थे उन्होंने, कमेटी वालों ने, उसमें 10-12 लोग ये हमारे यहाँ से गए। अच्छा, एक दो लोग फालतू गए थे। प्रोग्राम भी इन्होंने बताया बहुत अच्छा हुआ, बाकी मैंने मोबाइल पे देखा, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा माशाल्लाह। खैर हमारे शहर में ना प्रोग्राम सब अच्छे ही होते हैं, और माशाल्लाह उड़ानें भी बहुत अच्छी होती हैं जो बात है। और ऐसा नहीं है कि हमारी उड़ानें अच्छी हो रही हैं, मुरादाबाद में सभी खिलाड़ियों की अच्छी उड़ानें उड़ती हैं। एक बात मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, मैं जो भी मेरी अब कैसे मई की उड़ानें उड़ी हैं, और सभी लोगों को ये भी मालूम है कि हमारे जो है थोड़ी क्लब में थोड़ी नाराज़गी हो गई, उससे क्लब अलग अलग हो गए हैं। तो ये जितनी भी मई की उड़ानें उड़ी हैं मेरी, यहाँ भी मुरादाबाद भी उड़ी हैं, नजीबाबाद भी उड़ी हैं, हल्द्वानी भी उड़ी, रुद्रपुर भी उड़ी हैं, तो जितनी भी उड़ानें उड़ी हैं और ये जितनी उड़ानों की जीत हुई है, तो ये हमारे सारी उड़ानों का जो श्रेय जाता है तो हमारे उस्ताद हकीम जैदी साहब को जाता है, जो खतौली के रहने वाले हैं। बस ये कहना चाहता हूँ, और अगर ये मेरे उस्ताद अगर देख रहे हों तो उनको मैं सलाम करता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छे शौक कराए उन्होंने, और बहुत ज़्यादा दिल खुश है, और हमारी पूरी टीम का बहुत दिल खुश है। तो बाकी ये हमारे बड़े खलीफा आएंगे, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं गयासुद्दीन बोल रहा हूँ। इस वक्त हमारे मुरादाबाद का माहौल जो है वो थोड़ा गर्म चल रहा है, वाइजों के ज़रिए, कबूतरबाजी के माध्यम से लोग कुछ भी बोल देते हैं वाइज पर, वो ठीक नहीं है बात। इस बीच में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अभी ईद पे हमारे खिलाफ़ भी कुछ वाइज बोली थी लोगों ने, शहर के ही हमारे अपने लोग थे, उन्होंने बोली थी, तो हमने अपने उस्ताद को वो वॉइस सुनवाई थी। उस्ताद हकीम जैदी साहब मेरठ से आगे खतौली के हैं, हमने उन्हें वो मैसेज दिया, वो सुनवाई, तो उन्होंने हमें जवाब दिया और दो नसीहत करी। वो नसीहत जो थी उनकी, वो मैं पूरे हिंदुस्तान के खिलाड़ियों में ओपन करना चाहता हूँ, जो उन्होंने नसीहत हमें दी। एक नसीहत तो उन्होंने ये दी कि गयासुद्दीन कबूतर अच्छी तरीके से उड़ा के दिखाओ। दूसरी नसीहत उन्होंने ये करी कि ऐसा है, जो इंसान तुमसे उम्र में बड़ा हो या रुतबे में बड़ा हो, अगर वो इंसान दुआएं दे रहा है तो दुआ भी ले लो, और ज़ुबान से गाली जैसा अल्फाज दे रहा है तो उसका जवाब ना दो।
और कोई तुम्हारा अपना साथी जो तुमसे अलग हो गया है और वो बॉयज गलत बोल रहा है तो उसे सलाम करके जवाब दो। और जिस फन के तुम हकदार हो वो फन दिखाकर जवाब दो। इस शहर के अंदर क्लब हैं, अपने अपने ग्रुप बने हुए हैं। उन्होंने हमसे कहा कि छत की फाइट है कबूतरों की, बिल्कुल ये छत पे ही रहनी चाहिए, आपस में फाइट नहीं करें, नहीं करें आप। और ये मोहब्बत का शौक है, मोहब्बत से करें जी। इसमें इस शौक को ख़राब ना करें। कुछ लोग जो शौक ख़राब कर रहे हैं, ख़राब ना करें। मेरी आपसे दरख्वास्त सबसे यही है, जितने हिंदुस्तान के उस्ताद खलीफा हैं, ये प्यार का शौक है मेरी सबके लिए आवाज़ है कि ये मोहब्बत का शौक है, मोहब्बत से करें। इसमें इस शौक को ख़राब ना करें बिल्कुल भी। ये बुआइज़ शहरों में बोली जा रही हैं अलग अलग तरीके से, गलत तरीके से बोली जा रही हैं, इससे झगड़े भी हो सकते हैं और शौक में कमी आ सकती है। जो अच्छे लोग शौक करने वाले हैं शायद वो शौक को ना करें आने वाले वक्त में, लेकिन मेरी कोशिश ये है और हमारे उस्ताद का कहना है ये मोहब्बत का शौक है, इस शौक को मोहब्बत से करें, इसमें गंद ना फैलाएं। सबसे हाथ जोड़ के मेरी अपील है कि इसे मोहब्बत का शौक मोहब्बत से ही करें। खुदा हाफिज़। फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत अच्छा मैसेज दिया हमारे अलीम भाई के, जो खलीफा हैं इस टीम के, जनाब गयास साहब, जिनके उस्ताद हकीम जैदी साहब हैं। तो बहुत अच्छा मैसेज था। हकीकत बात है कि प्यार मोहब्बत के साथ शौक करना चाहिए, कोई भी गलत मैसेज लोगों तक ना जाना चाहिए। तो बहरहाल यहाँ अलीम भाई जैसे हमारे जो इनके उस्ताद हैं जनाब इकबाल साहब, वो 10 तारीख में नहीं आ पाए थे प्रोग्राम में, तो यहाँ वो कुछ गुलपोशी वगैरह करना चाह रहे हैं, तो गुलपोशी कर लेते हैं, उसके बाद आपको मैं इनके कबूतरों का शौक भी कराता हूँ, ठीक है। ये सब जो है जैदी साहब की बदौलत है, हकीम जैदी साहब की है। जी जी। ये जितने भी इनाम लगे हैं सब इनका इनामों का श्रेय भी और सारी उड़ानों का, जो मई में जितनी भी उड़ानें उड़ी हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्टों से गई हैं। अच्छा। और माशाल्लाह ये जितनी भी उड़ानें उड़ी हैं और अभी भी और कुछ इनाम मिलने बाकी रह गए हैं, इन सब इनामों का श्रेय जो है सब हकीम जैदी साहब को जाता है। थैंक यू। ये हमारा बुर्रा बच्चा घर का। अच्छा। अच्छा, तो ये आपका जो मुरादाबाद वाला टूर्नामेंट हुआ था उसमें भी और ऑल इंडिया दोनों में खाली मुरादाबाद वाले मोड़ आया था, इसके लिए आपका था ना। अच्छा, हाँ, हाँ, मुरादाबाद वाले मोड़। अच्छा अच्छा, बाजू दिखाना इसका। पंजे देखें, ये बैठा था 11:04 पे, 11:04 पे। अच्छा जी अली भाई, ये है कल्लुमा हमारा बेला कल्लुमा। अच्छा, ये हमारा ऑल इंडिया में भी उड़ा है। हाँ, दोनों में उड़ाया था, दोनों में उड़ा और मुरादाबाद वाले कप में भी। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके पंजे देखें। एक मिनट आओ, कब आ जाओ। बढ़िया, ये बैठा हमारा 12:12 12:12 दोनों जी। एक ये है हमारा, हाँ, कल सिरा मोदार कबूतर, ये हमारा ऑल इंडिया में उड़ा है, मुरादाबाद वाले कप में, मुरादाबाद वाले में भी। बढ़िया, दोनों में 11:00। इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही उस दिन? बढ़िया रही, 11:05 पे बैठा है। अच्छा अच्छा, बाजू बाजू दिखाना इसका। बढ़िया जी। ये कल दुमी कबूतरी हमारी घर की। अच्छा, ये ऑल इंडिया में भी उड़ी थी। हाँ, मुरादाबाद वाले में। मुरादाबाद वाले में भी।
बढ़िया, दोनों में 10:35 पे, 10:35 एक मिनट, इधर वाला बाजू देखो, ये इधर सही, जी अरे भाई, ये है हमारा हवेलिया का कबूतर चर्चा। अच्छा, ये मुरादाबाद वाले में उड़ा, मुरादाबाद वाले में उड़ा था, बढ़िया, नहीं ऑल इंडिया में उड़ा, ऑल इंडिया में उड़ा थी, हाँ ये तीन जर्च उड़ा है। अच्छा अच्छा, हाँ उसमें थी, तो वो पीली आग उड़ा सकते हैं ये, हाँ। वैसे तो हमारा चार चार वे बैठा जाड़ों में हर उड़ान। अच्छा, लेकिन इसमें ये 12:00 मेरे ख्याल से 10 या 11 मिनट पे बैठा है। अच्छा अच्छा, तो वैसे इसकी सारी उड़ाने इन गर्मियों की 1 बजे की 12 बजे की थी, बाजू कोई उड़ान इसकी 12 बजे से पहले की नहीं, पहले की नहीं थी कोई भी, बढ़िया जी। एक है फुल सेरा कल्लुमा का कबूतर हमारा, बहुत बढ़िया, ये ऑल इंडिया पे भी उड़ा था हमारा, दोनों में उड़ा था। अच्छा, दोनों में 11 बजे। अच्छा अच्छा, एक मिनट, बढ़िया, इसके पंजे, पंजे देखें इसके, ठीक जी। ये हमारी हवा बिलियन कबूतरी, वैसे तो इसकी सारी उड़ाने जाड़ों की 4:30 बजे की है, लेकिन ये अभी गर्मी में भी 1-1 बजे 2-2 बजे बैठ रही थी, बैठ रही थी। अच्छा, और उस दिन कैसा रहा इसका? ये कप वाले दिन भी ऑल इंडिया में भी थी और मुरादाबाद वाले, दोनों में 12:40 पे 11:40 पे बैठी। अच्छा अच्छा, बढ़िया, 11:40 पे। ये हमारा मुखी कबूतर, अच्छा, मुरादाबाद वाले कप में लगा था ये। अच्छा चर्चा, अच्छा ये बैठा 12 बजे 12 बजे 12:02 12:02 पर, बाजू देखे, एक मिनट। वैसे तो ये दौड़ानों में 1 बार 5 बजे 1 बार 5:30 बजे बैठ गया। अच्छा, मई में ही। अच्छा जी, ठीक है, पंजे, बढ़िया जी। ये है कल्लुमा फुलसेरा का पट्टा हमारा घर का, हाँ। ये ऑल इंडिया में उड़ा है और मुरादाबाद वाले कप में। अच्छा, दोनों में उड़ा था, दोनों में 11 बजे 11 बजे। अच्छा, दोनों बाजू देखें इसका, एक मिनट, बढ़िया, चलिए ठीक जी। ये हमारा फुल सिरा कबूतर टेढ़ा, अच्छा, ये मुरादाबाद के कप में भी लगा था और ऑल इंडिया में भी। अच्छा, ये मुरादाबाद वाले में 1 मिनट से कैंसिल हो गया। अच्छा, लेकिन ऑल इंडिया वाले में लगा, हाँ, उसमें तो कोई बॉर्डर का मसला नहीं था ना कोई भी, बस ये बैठे हैं और टाइम में लगे। अच्छा जी, बाजू, बढ़िया, ठीक है। तो फ्रेंड्स कबूतर जो इनके अलीम भाई के ऑल इंडिया और मुरादाबाद का जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें उड़े थे, वो तो देख लिया आपने। बाकी ये सारे कबूतर हैं अलीम भाई के, और अलीम भाई ने इसमें कितने कबूतर, ये 100 के करीब हमने बच्चे छोड़े हैं। अच्छा, जाड़ों की तैयारी के, हाँ, तो 100 के आसपास इन्होंने अभी बच्चे छोड़े हैं इसमें। तो ये देखिए, अंधेरा हो गया, रात में शाम में आया था मैं, तो लाइट जला के इन्होंने अभी दाना डाला है इन सब कबूतरों को। देखिए माशाल्लाह, काफ़ी कबूतर इन्होंने खरीदे हैं अभी कुछ दिन पहले, और ये जाड़ों की तैयारियां चल रही हैं, ये सब जाड़ों के लिए बच्चे छोड़े हैं। जी 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 जी, 100 बच्चे छोड़े। जी जी जी, बहुत बढ़िया। आपको और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से, होम सेंचुरी की तरफ से, जीत की बहुत बहुत मुबारकबाद।